गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग को कल मैंने हिंदी का लेसन प्लानिंग बताया, आज उसमें उसके साथ साथ आप लोग को पहला क्वेश्चन का जो भी हिंदी गद्य इतिहास का जो भी इतिहास था मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसके साथ साथ हिंदी पद इतिहास का जो भी पिक्चर होगा, जो भी 55 पन्ने में है, उसको भी मैं आज वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। हिंदी का जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें खासतौर जो गद्य इतिहास का 5 नंबर, पद इतिहास का भी, साहित्य का इतिहास का 10 नंबर का मैं वीडियो भेज दिया हूँ, पिक्चर भेज चुका हूँ। इसके साथ साथ जो हिंदी गद्य का किताब का हुआ और काव्य किताब का हुआ, ये 10-10 नंबर आपको सर रविशंकर सर आगे बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ उनका भी वीडियो बना के भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी कहानी हुई, नाटक हुआ, इसका भी वीडियो या इसका पिक्चर आपके व्हाट्सएप पर भेजा जा सकेगा। इसके साथ साथ जो ग्रामर का जो 14 नंबर जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश जो 14 नंबर का है वो आपके सर वीडियो बनाकर भेजेंगे या जब आपकी क्लास शुरू हो जाएगी उसमें पढ़ा दीजिएगा। बाकी जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैं छोटा छोटा वीडियो करके 2-4 वीडियो 5-6 वीडियो में आपको धीरे संधि समास अलंकार जो भी होगा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आज आपको सबसे पहला ग्रामर का टॉपिक संधि शुरू करने जा रहा हूँ। संधि क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलन, ध्यान देंगे ये अक्षरों के मिलन को संधि कहते हैं। जबकि हम समास में जब पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन को वहां समास कहते हैं। अक्षरों के मिलन जैसे स धन अक्षर इसके बराबर साक्षर होता है, ये एक संधि हुआ। इसके साथ साथ जैसे विद्या धनालय आप पढ़ाए हैं, विद्या धनालय बराबर विद्यालय हुआ। रमा धन ईश और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है रमेश। तो कैसे इसमें एक अमानता लगेगा, कैसे आग अमानता लगेगा, कैसे क्या होगा, इसके संधि के जब हम पांचों भाग पढ़ाएंगे उसमें आपको सिंपली रूप से अच्छे से समझाया जा सकता है। मूल रूप से संधि आपके जो 3 प्रकार के होते हैं उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये संधि के उदाहरण है, इसे आप लिख लेंगे और लिखने के साथ साथ या समझ लेंगे ध्यान से। मैं मिटा रहा हूँ पहले आपको संधि का भाग, और संधि से पहले खासतौर जो संधि आपको मैंने आपको देखेंगे। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। देखेंगे ये तीनों संधियां हैं आपके सिलेबस में। स्वर संधि है क्लास 9 से लेकर लगभग पूरे 12 तक स्वर संधि है। उसमें भी स्वर संधि में जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, किसी में कोई 2 ही संधि है, किसी में 3 संधियां है, किसी में 4, लेकिन फिर भी मैं आपको 5 संधियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करा दूंगा ताकि हर क्लास के चारों क्लास के 9, 10, 11, 12 सभी लड़कियों अपने सिलेबस अनुसार चारों संधियों को पढ़ सकते हैं, 5 संधियों को पढ़ सकते हैं। स्वर संधि मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। स्वर संधि आपके पहला स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकह अकह स वर्ण दीर्घ अकह
सवर्ण दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार का, अक प्रत्याहार का जो सवर्ण होता है, अक प्रत्याहार का जो सवर्ण होता है मिलकर दीर्घ बनाता है। आपको मैं दीर्घ संधि बताने से पहले 11 में भी पढ़ा चुका हूँ, आपको महेश्वर सूत्र 14 बताया था और 9 में फिर से मैं भी बता दे रहा हूँ उस महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और यही प्रत्याहारों से हम संधि को विस्तृत रूप से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक बार फिर से महेश्वर सूत्र बता दे रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट महेश्वर सूत्र न पढ़े हैं उसको समझ सकते हैं। आपके महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र हैं जो निम्नवत हैं। पहला अ ई उण, अ ई उण। दूसरा है री ली क, री ली क। और तीसरा है आपका ए ओ अंग, ए ओ अंग। और चौथा आपका महेश्वर सूत्र है ऐ ओ अच, ऐ ओ च। ये आपके खास तौर पर ध्यान देंगे ये चारों जो महेश्वर सूत्र है ये स्वर स्वर, इसको स्वर संधि कहते हैं या इसको अ और च, इसको अच संधि के रूप में कहा जाता है। इसके बाद आपको पांचवा संधि जो भी आएगा वो व्यंजन होगा, जैसे ह य व, ह य व रट, अय व रट। छठवां होगा लण, लण। और सातवां होगा इय म अंग, इय म अंग, अळ न म, इय म अंग, ळ न म। और लट इय म। फिर आठवां होगा आपका झबय, झ भ य, झ भ य। सबके लाइन में आप देखे होंगे इति संज्ञक लिखा गया है, इसको ऐसे करके डिनोट किया गया है। ये आपके आठ हो गए और इसके बाद बाकी छह इधर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर विस्तृत में आपको दीर्घ संधि समझा दूंगा, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे।
स्वर प्रत्याहार जब लगाएंगे तो खास तौर आपको एक दो तीन चार इन्हीं से मतलब है। हाँ जब इको यण संधि जब बनाएंगे तो उसमें आपको एक दशमलव षटमा का यूज होगा। बाकी ये सब 14 प्रत्याहारों में ये 6 के बाद जितने प्रत्याहार हैं आपको सब जब आप स्वर संधि के बाद जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें आपका इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर के ले सकते हैं, इसको मैं फिर निकाल दे रहा हूँ और दिन संधि को यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसे मैं फिलहाल रख रहा हूँ क्योंकि दिन संधि समझाने में आसानी होगी आपको, और ये नीचे का विचार दे रहा हूँ और सब संधि समझाने के लिए इतना इस चीज़ को खास कर ध्यान देंगे। ये हाँ एक चीज़ और आपको इसमें समझा दूँ कि जो पहला दूसरा सूत्र है इसको हम एक मात्रिक स्वर, इन दोनों को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर या इसको छोटा है इसे लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इन दोनों संधि को, इन दोनों सूत्रों को हम दीर्घ मात्रिक स्वर, दीर्घ मात्रिक यानी बड़ा दीर्घ मात्रिक स्वर या फिर द्विमात्रिक सूत्र, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें दो मात्राएं होते हैं जिसे लेने में बड़ा होता है, जैसे ए ओ अ औ। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि का एक बार फिर से सूत्र आपको समझा दे रहा हूं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक समवर्णित दीर्घ, अक समवर्णित दीर्घ। देखिए एक चीज और बता दूं, मायसब सूत्र में संक्षिप्त के हिसाब से मात्र पांच एक मात्रिक स्वर हैं, और दीर्घ मात्रिक स्वर पूछेगा कि दीर्घ मात्रिक स्वर कितने होते हैं तो ए ओ ए ओ चार होते हैं। जब पूछेगा दीर्घ मात्रिक स्वर कितने होते हैं तो आप बोलेंगे चार ए ओ ए ओ, लास्ट वाला बताएं इस संज्ञा को आप नहीं लेते हैं। लेकिन जब पूछेगा कुल दीर्घ मात्रिक स्वर, केवल दीर्घ मात्रिक स्वर कहेगा तो आप चार बोलेंगे, और कहेगा कुल दीर्घ मात्रिक स्वर कितने होते हैं तो आपका अ का आ बढ़ जाता है, ई का बड़ी ई बढ़ जाता है, छोटाऊ का बड़ाऊ बढ़ जाता है, और ऋषि र का ये बड़ी ऋषि र एक के बाद एक और चिन्ह बनता है और ये चार और बढ़ जाते हैं, और ये कुल मिलाकर दे देगा कुल दीर्घ मात्रिक स्वर कितने होते हैं। तो हम कुल दीर्घ मात्रिक स्वर की बात आएगी तो एक दो तीन चार और ये चार लेकर टोटल आठ दीर्घ मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। फिलहाल आप शुरू कर रहे हैं आपका पहला संधि दीर्घ संधि। अब इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी, जैसे देखिए अक प्रत्याहार फिर से समझा दूंगा, अक समवर्णित दीर्घ, अक प्रत्याहार यानी अ युगल से जो भी समवर्ण मिलते हैं वो मिलकर दीर्घ बनाते हैं। जैसे देखिए अक प्रत्याहार में आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ अक प्रत्याहार में क्या होता है, अ ई उ और अण हटा जाएगा फिर री और लुई आएगा, यानी अक प्रत्याहार का जो समवर्ण यानी अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, री के बाद री और ली के बाद ली आता है, वो सभी मिलकर समवर्ण मिलकर दीर्घ बनाते हैं। जैसे देख सकते हैं हम अ के बाद अ या आ के बाद अ या आए, अ या आए तो क्या बनता है दीर्घ बनता है, दीर्घ मतलब क्या आ बन जाएगा। फिर से देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई चाहे बड़ी ई आए तो ये मिलकर क्या बनता है बड़ी ई अर्थात दीर्घ बनता है। छोटा हूं बड़ा हूं या छोटा हूं या बड़ा हूं के बाद छोटा हूं बड़ा हूं आ जाए तो लास्ट में बड़ा हूं बनता है। ठीक है, आगे इसी जगह देखेंगे वी और बड़ी ई के बाद री तथा बड़ी री आए तो बड़ा ऋषि लग बनता है, ये एक के बाद एक और बन जाएगा, और ली के बाद ली या नी के बाद ली या नी आए तो बड़ा नी हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ये दो तीन एग्जांपल आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसको हम ध्यान से समझ लेंगे। और आगे बढ़ जैसे आपको पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था सधनाक्षर मिलके साक्षर बनाता है। जैसे देखिए आप देखेंगे
श श श का मतलब अ और स धन अक्षर और ये अ और अ मिलकर लास्ट में क्या बनाता है साक्षर बनाता है साक्षर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अक अक्षर जो भी छोटा बड़ा रहेगा अ और अ मिलकर दिन बना देता है यानी आक्रमण कर रहेगा। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय ठीक है। आगे देखेंगे हम नदी धन ईश मिलकर बनेगा नदी। हालांकि इसमें दोनों बड़ी ही है फिर भी बड़ी ही बनेगा क्योंकि जो दिन है हम छोटी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको गिरी देखिए छोटी है और ईश है जो दोनों मिलकर लास्ट में बन जाएगा ये ग्रह छोटी है लेकिन यहाँ दीर्घ बन जाएगा और ये ग्रह बड़ी मिलेगा गिरी से ठीक है। एक चीज और देखेंगे छोटा का एग्जाम्पल ये है भानु ये छोटा रहेगा और धनुदय और ये बन जाएगा आपका भानुदय और जब भानुदय लिखाता है तो ये हो जाता है बड़ा भानुदय ठीक है। ऋषि दौरवी का एक रूप है पित्री पितृ धन ऋणम और ये मिलकर आपका बन जाएगा पितृणम और इसमें पितृणम ऐसे बोलते हैं और इसको ये डबल बन जाता है यानी कि पहला वाला थोड़ा बड़ा रहता है लाल वाला थोड़ा छोटा होता है। इस प्रकार ये आपका दीर्घ संधि समाप्त होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी और भी संधियां होंगी जिनको बाकी चारों को दो पार्ट में करके दीर्घ के बाद गुट विधि एक बार या चारों एक साथ जैसा भी होगा आपको मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा। फिलहाल इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपना कमेंट कर सकते हैं सर ये कर सकते प्रॉब्लम है ये समस्या है। आप अपनी समस्याओं के लिए हमेशा हम आपके लिए ऊपर रहेंगे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कर सकते हैं ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ अगला वीडियो का आप इंतजार करेंगे दीर्घ के बाद गुण वृद्धि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि और आदि संधि का मैं वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।